दोस्तों चिपसेट पे चिपसेट, चिपसेट पे चिपसेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चिपसेट्स लॉन्च होते ही जा रहे हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए चिपसेट के बारे में, जो कि 5G एक चिपसेट होगा और आने वाले जो मंथ्स होंगे इनमें बहुत सारे लॉन्चेस इस चिपसेट के साथ हो सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मीडियाटेक के डायमेंसिटी 900 के बारे में। कुछ ही दिन पहले 800U और 810 के साथ बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो चुके थे और ये चिपसेट भी इसी ईयर के फर्स्ट हाफ में लॉन्च हुआ था। तो साल में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीने में 15 से 20 चिपसेट ऐसे ही निकल के बाहर आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा चिप शॉर्टेज के बारे में, उसके बाद भी बहुत सारे चिप्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं। बेसिकली ये जो चिपसेट होते हैं मीडियाटेक के जो चिपसेट आते हैं, हर रोज़ एक नए नए चिपसेट लॉन्च करते रहते हैं। ये बेसिकली नंबर गेम होता है, GPU CPU इनके एकदम जो वेरिएशंस है, वेरिएशन कॉम्बिनेशंस को मिला जुला के नए नए चिपसेट लाते रहते हैं। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर ज़्यादातर CPU के जो वेरियस CPU हैं उनके कंपैरिजन के वीडियो बनाता हूं, लेकिन रिव्यू वीडियो नहीं बनाता। ये वीडियो रिव्यू होने वाला है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी होगा। और क्यों मैं ये रिव्यू दे रहा हूं, वो आपको वीडियो देखने तक ही पता चल जाएगा। दोस्तों 20 तारीख को चाइना में लॉन्च होने वाला है iQOO का Z5X। iQOO का Z5 हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ था, Z5X भी आ जाएगा। और Z5X Vivo का V21 सीरीज़ के कुछ फ़ोनों में ये डायमेंसिटी के 900 चिपसेट आ सकता है। इसका जो फीचर्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मिड रेंजिंग जो फ़ोन्स आने वाले इनमें एक अच्छा खासा एक बजट एफिशिएंट और परफॉर्मेंस एफिशिएंट एक प्रोसेसर साबित हो सकता है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो के डिटेल में जाऊँगा। और डिटेल में जाने से पहले एक बात कह दूँ कि मेरे चैनल में जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। दिस टेक्नो गाइड, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स टॉक। दोस्तों डायमेंसिटी का जो 900 चिपसेट है ये 5G चिपसेट होगा ऑब्वियसली, और इसका आर्किटेक्चर 64-bit में होगा। दोस्तों ये एक मिड रेंज फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर होगा और ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा इसमें। और इनके जो कोर्स होंगे ये मीडियाटेक के जो ऑफिशियल साइट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि बिग कोर्स होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी जो कोर्स है ये बिग होगा। प्राइमरी के जो दो कोर्स होंगे वो आर्म कॉर्टेक्स A78 का होगा, 2.4 GHz में ये क्लॉक्ड होंगे। और बाकी के जो 6 कोर्स होंगे ये एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, सेकेंडरी कोर्स भी कहे जाते हैं। तो ये होगा आर्म कॉर्टेक्स के A68 जो कि 2 GHz पे क्लॉक्ड होंगे और इनका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रहेगा 2000 MHz का। दोस्तों इसका जो GPU रहेगा ये बहुत ही एक फास्टर GPU रहेगा, बहुत ही फास्टर FPS वाला एक GPU रहेगा, जो कि रहेगा आर्म माली G68। पहले जो G78 था उनके सारे फीचर्स इनमें अवेलेबल होंगे और ये उससे भी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट रहेंगे। दोस्तों 6 नैनोमीटर पर बेस्ड होने के कारण ये जो प्रोसेसर होगा ये बहुत ही बैटरी एफिशिएंट होगा। दोस्तों 5 नैनोमीटर पर बेस्ड तो आज तक 5 या 6 ही जो चिपसेट है अभी तक अवेलेबल है, जैसे कि स्नैपड्रैगन के 888, एप्पल के A15 बायोनिक चिप और किरिन जो एक प्रोसेसर है उनका भी एक 5 नैनोमीटर पर बेस्ड एक प्रोसेसर है, और सैमसंग के दो प्रोसेसर्स हैं 5 नैनोमीटर पे बेस्ड, जो कि है सैमसंग के एक्जिनोस 2100 और 1080। दोस्तों रैम की सपोर्ट की बात किया जाए तो LPDDR5 और LPDDR4X तक का आपको रैम सपोर्ट मिल जाएगा। UFS 3.1 और UFS 2.2 हाईएस्ट इंटरनल स्टोरेज का जो सपोर्ट रहता है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेसर ये पिछले वाले जो भी प्रोसेसर थे, पिछले जनरेशन का जो भी प्रोसेसर थे, उनसे 30% एक्स्ट्रा एवरेज स्पीड देगा आपको। GPU CPU इंटरनल स्टोरेज सब कुछ मिलेगा जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर। और दोस्तों कैमरा की बात किया जाए तो 108 MP का जो सिंगल प्राइमरी कैमरा का सपोर्ट आपको दिखने में मिल जाएगा। अगर डुअल प्राइमरी कैमरा अगर मिल जाए तो 20+20 MP का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। HDR10 तक का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसका जो डिस्प्ले का रेशियो होगा वो 2520x1080p पे होगा। दोस्तों रिफ्रेश रेट की बात किया जाए तो 120 हर्ट्ज तक का आपको रिफ्रेश रेट के सपोर्ट मिल जाएगा, और 120 हर्ट्ज तक का जो रिफ्रेश रेट का जो सपोर्ट है ये मैक्सिमम होगा। दोस्तों 5G प्रोसेसर की बात आए तो कनेक्टिविटी का तो एक मतलब टॉपिक रहता ही, एक फैक्टर काम करता ही है। दोस्तों 1.2 GHz का एक स्पेक्ट्रम बेस्ड एक प्रोसेसर होगा ये, विदाउट कैरियर एग्रीगेशन आपको 30% एक्स्ट्रा एवरेज स्पीड देगा पिछले जो जनरेशन के CPUs आते थे उनसे। और इसमें डुअल 5G का सिम सपोर्ट का मिलेगा और इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पावर सेविंग तो बहुत ही होगा, वाईफाई 6.0 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 2x2 जो मीमो टेक्नोलॉजी है उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और ब्लूटूथ 5.2 तक का आपको सपोर्ट इसमें मिलेगा। और मीडियाटेक के और एक जो हाइपर इंजन 3.0 इसका सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि होता है कॉलिंग और गेमिंग दोनों एक साथ एक ही मतलब नेटवर्क पे कनेक्ट करके आप करेंगे तो दोनों में सेम स्पीड आपको मिलेगा। जितना स्पीड मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर प्रोवाइड करेंगे उतना स्पीड दोनों में मिल जाएगा। और इसका जो हॉटस्पॉट होगा टेथरिंग हॉटस्पॉट, उसका भी स्पीड पहले वाले जो जनरेशन थे उससे ज़्यादा होगा। 33% टेथरिंग हॉटस्पॉट का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ किया गया है इस प्रोसेसर में। दोस्तों ये जो चिपसेट है बेसिकली इसमें बहुत ही कनेक्टिविटी जो इशू होता है, जो कनेक्टिविटी का फैक्टर रहता है 5G के जो प्रोसेसर आते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा
इंक्रीज किया गया है। पहले के जो जेनरेशन के जो पहले वाले जो कुछ 5G के जो चिपसेट आते थे बहुत ही एडवांस रहेगा, GPU बोलिए CPU बोलिए सब कुछ में ये थोड़ा आगे रहता है। डायमेंसिटी के 700, 800 और 1100 एंड 1200 के बीच में एक चिपसेट की ज़रूरत थी जो इन लोगों ने ऑप्टिमाइज करके लाया है। डायमेंसिटी के 900 के चिपसेट के साथ साथ 920 एक चिपसेट ये भी लॉन्च हो चुका है। फोन्स में आने तक का इसका देरी है लेकिन इसका कोई ऑफिशियल अभी तक मतलब जो स्कोर्स होते हैं अंततः स्कोर्स होते हैं ये सब बाहर निकल के नहीं आए हैं, तो इसका मैं रिव्यू तो अभी नहीं कर सकता। अगर बाद में आएगा तो ये मैं मेरे जो चैनल है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी मैं थोड़ा बढ़ता हूँ थोड़ा कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन किया जाए तो जस्टिस किया जाए तो इस चिपसेट के साथ तो 810 या फिर 800U के साथ डायमेंसिटी के इसका कंपैरिजन हो सकता है। ये जो पिछले वाले जो चिपसेट हैं स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है उनके साथ मैं अभी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं दूंगा। आप लोगों को किसके साथ कंपैरिजन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अंततः स्कोर की बात किया जाए तो अंततः स्कोर जो इसका निकल के बाहर है अंततः 9 के मुताबिक 415,480 और जो डायमेंसिटी का 920 है इसका तो कोई पता नहीं। और डायमेंसिटी का 800 का भी कोई ऑफिशियल अंततः स्कोर ये भी नहीं आया था लेकिन 800U का आया था जो कि है 381,885। और दोस्तों नैनोमीटर की बात किया जाए तो 800U जो चिपसेट था वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड था और ये जो चिपसेट है ये 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा बैटरी के मामले में और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी किया गया है GPU और CPU के जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और GPU का जो फ्रीक्वेंसी था 800U में वो था 850 MHz का और इसमें 950 MHz का फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली फास्ट है। और दोस्तों डायमेंसिटी के जो 920 चिपसेट है और उसमें जो सेकेंडरी कोर्स दिए गए हैं वो रहता है आर्म कॉर्टेक्स के A55 जो कि 900 में दिया जा रहा है आर्म कॉर्टेक्स A68 जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और पहले के जो 800U था डायमेंसिटी के उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कोर्स थे वो 4+4 ऐसे डिवाइड हुए थे और दोनों ही प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही जो कोर्स हैं वो 2 GHz पे क्लॉक थे लेकिन डायमेंसिटी के 900 में 2 परफॉर्मेंस कोर्स और जो 6 रहते हैं वो एफिशिएंसी कोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इसका प्राइमरी क्लॉक स्पीड रहता है 2.4 GHz का। दोस्तों आशा करता हूँ थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी जानने की ज़रूरत हो और किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं इन सब बातों के लिए आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप भेज दीजिए कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज टेक्नो गाइड साइनिंग आउट।